अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका मेरे चैनल पर वेलकम है। मैं आज आपके लिए एक पिकअप कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है करंट फीलिंग्स योर पार्टनर। कीप इन माइंड, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कि ना करे। अगर आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती है तो अच्छी बात है, वरना आपने इसको पूरी तरह से इग्नोर करना है। आपके सामने दो डेक्स अवेलेबल हैं, डेक नंबर 1, डेक नंबर 2। तो आप A to M इसे यूज़ कर सकते हैं और N to Z इसको यूज़ कर सकते हैं आप। तो आपके सामने दो डेक्स हैं, आप दोनों में से किसी एक डेक को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस पे आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं। आपके अपनी डेक सही से सिलेक्ट करनी है, जिस पे आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं वही वाली डेक सिलेक्ट करनी है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकेंड का टाइम लीजिए, हम चलते हैं डेक नंबर 1 से। हाय डेक नंबर 1, जिन्होंने ये वाली डेक सेलेक्ट की है, तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट की है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनको लेकर। पाइल नंबर 1 के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं? सिक्स ऑफ वॉन्स, तो ये इंसान आपकी तरफ विक्ट्री हासिल करना चाहता है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, एक्शन लेना भी चाह रहा है ये, और इसके स्टेप जो है आपकी तरफ आ भी रहे हैं। ये इंसान चाहता है कि आपका और इसका रिलेशनशिप जो है आगे जाए, ना के पीछे। ये इंसान विक्टोरियस होना चाहता है, आप ये इंसान ऐसा ट्रॉफी की तरह देखता है कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के लिए इंसान ढूंढता है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। अब देख लेते हैं हम 5 of Cups, जस्टिस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाय, स्पेशली लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाय। एक कार्ड गिर गया है और हमें यहाँ पे मिला है 8 of Wands। तो इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके? देखें, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए डे एंड नाइट सोच रहा है, इतना सोच रहा है कि इसके पास सिर्फ एंजाइटी के अलावा अब कुछ भी बाकी नहीं रहा है। ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है, लेकिन इसका ईगो इसको रोक लेता है आपके पास आने के लिए। ये काफ़ी ईगोइस्टिक इंसान हो सकता है, ये हमेशा अपनी चलाता होगा, आपके ऊपर अपनी चीज़ें थोपता होगा, और जो है ये इंसान कभी भी ये नहीं चाहता होगा कि आप इसको थोड़ा सा, मतलब ये किसी भी हाल में जो है नहीं जाता होगा झुकना। ये इंसान आपकी लाइफ से इन और आउट भी बहुत ज़्यादा रहा है। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये इंसान आपकी लाइफ से इन और आउट भी बहुत ज़्यादा रहा है, कभी चला जाता है आपकी लाइफ से, आ जाता है, ये जाते जाते भी पीछे मुड़ मुड़ के देखता रहता है कहीं आपकी लाइफ में कुछ और, कोई और तो नहीं आ गया है, या आप इससे मूव ऑन तो नहीं कर गए हैं, या आप कहीं और तो नहीं रिलेशनशिप में चले गए हैं। तो यही चीज़ें हैं जो ये इंसान आपकी तरफ विक्ट्री हासिल करना चाहता है, आपको एज अ प्राइड, मैंने कहा था आपको एज अ प्राइड और एज अ ट्रॉफी देखता है। ये इंसान आपको एज अ एम्प्रेस देखता है कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो ये इंसान अपने लाइफ पार्टनर के लिए चाहता था कभी, कि आप एज अ एम्प्रेस है, आप अपने ऊपर फोकस कर रही हैं, आप अपना सेल्फ लव कर रही हैं, आप किसी फालतू इंसान को एंटरटेन नहीं करा रही हैं, लेकिन ये इंसान जो है आपको मैसेज सेंड करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन का कार्ड है, और ये चीज़ें फास्ट करना चाहता है। ये और मज़ीद इस दुखी एनर्जी में रहना नहीं चाहता, ये चाहता है कि पहले ये इंसान आपको छोड़ के चला गया था, लेकिन अब ये इंसान आपकी तरफ वापस आना चाहता है, बहुत हिम्मत जुटा रहा है कि आप इसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लें। ये ऑफ़र जो आपको दे रहा है वो ऑफ़र आप एक्सेप्ट करें और इसको अपनी लाइफ में आने दें। ये और मज़ीद दुखी रहना नहीं चाहता। हो सकता है आप में किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, अगर आप मैरिड पर्सन नहीं हैं तो ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा, इनकी जो जॉब है वो कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, कि जैसे कि ये इंसान लॉयर हो सकते हैं, ये इंसान जज हो सकते हैं,
यह इंसान पुलिस में हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन है ये जो भी इंसान है। आपके बारे में डे एंड नाइट ये इंसान सोच रहा है, और सोच सोच के इसने अपनी हालत ख़राब कर ली है। ये पुरानी बातों को मिस कर रहा है, पुरानी बातों को याद कर रहा है, लेकिन आप इसके दिलो दिमाग पे बहुत ज़्यादा सवार रही हैं। आप देखेंगे चीज़ें थोड़ी थोड़ी, आप देखिएगा कुछ दिनों में आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी चेंज होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप लोग नो कम्युनिकेशन जोन में हैं, अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो ये इंसान आपको अनब्लॉक करेगा, लेकिन कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि कम्युनिकेट चाहेगा कि ये आप करें। और मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इस इंसान से को कम्युनिकेट करें। इस इंसान के दिल में अगर आपके लिए कुछ भी इमोशन है, तो ये इंसान खुद इसको आने दे। आपकी भी यही सोच है कि आप डे एंड नाइट इस इंसान के बारे में सोच रही हैं, सोच सोच के आपको लगता है कि ये इंसान कभी भी आपके साथ सीरियस नहीं हुआ था, लेकिन आप चाहती हैं ये इंसान इस बार खुद आए। मैंने बहुत ज़्यादा अप्रोच कर लिया, मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को गिरा लिया इस इंसान के सामने, लेकिन ये इस इंसान ने कभी भी आपकी वैल्यू जो है नहीं करी है। तो ये इंसान यही चीज़ सोच रहा है, और यही चीज़ सोच के आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये इंसान चाहता है कि चीज़ें फास्ट हों। खाली हो सकता है पहले आप दोनों का रिलेशनशिप खाली फिजिकल अट्रैक्शन से स्टार्ट हुआ हो, बाद में इस इंसान को आपकी वर्थ पता चली हो। फॉर श्योर ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, सोच सोच के पागल हुआ जा रहा है ये इंसान आपके बारे में। और देख लेते हैं इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ऐसा होता होगा आप दोनों के बीच में कि आप इस इंसान को अप्रोच करती होंगी या करते होंगे, ये इंसान आपसे सही से बात नहीं करता होगा, ईगोइस्टिक इंसान है, आपको बहुत ज़्यादा दुख देता होगा, इतने ब्लंट लफ्ज़ होते होंगे इसके कि आपका दिल पीसीस में जो है हो जाता होगा। इसे लगता है कि हो सकता है आपके पर्सन बहुत फेमस पर्सनैलिटी हो, इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा हो, सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो ये इंसान, जो भी हो काफ़ी लोग इसे जानते हो, काफ़ी लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। इस इंसान को इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा घमंड है कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, ये आएगी तो मेरे पास, ये आएगा तो खुद आएगी। लेकिन आपने सेल्फ लव करके इस इंसान को बता दिया है कि आप इनसे ज़्यादा अपना सेल्फ लव पसंद करते हैं या करती हैं। ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, ये इंसान आपकी तरफ विक्टोरियस, आपको एज अ ट्रॉफी एज अ प्राइड समझता है कि आप इसकी लाइफ में अगर मिल गई तो इसकी लाइफ में जो चीज़ मिसिंग है वो आप ही हैं। लेकिन ईगोइस्टिक है, झुकना नहीं चाहता, लेकिन आएगा ये इंसान, ये मैं आपको बता दूँ। थोड़ा वेट कीजिए आप इसका, इसको अब ये रीडिंग सुनने के बाद इसको अप्रोच करने में चले जाइएगा आप लोग, ये जो भी पर्सन है। ये कार्ड भी आना चाह रहा है तो ले लूंगा। मेक द एफर्ट, तो ये इंसान चाहता है जितना एफर्ट ये डाल रहा है रिश्ते में आप भी डालें, आप भी इतने ही एफर्ट्स डालें। आप दोनों के बीच में कल्चर डिफरेंट हो सकता है, मज़हब डिफरेंट हो सकता है, आप दोनों की कास्ट डिफरेंट हो सकती है, आप लोग डिफरेंट कंट्रीज से हो सकते हैं, इसलिए ये चीज़ भी एक बाधा डाल रही है आपके बीच में। लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो आपने यही करना है, जैसे सेल्फ लव आप कर रहे हैं वैसे ही सेल्फ लव करते रहें, यह इंसान बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ जाएगा। फ्री योर सेल्फ, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, तो आपने अब सोचना नहीं है इंसान के बारे में, ये इंसान तो आना ही है आपकी लाइफ में, आपने फ्री कर लेना है आपने। ये इंसान आपका ट्रू लव है, ये इंसान कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा क्योंकि यही है इंसान, यही है आपका सोलमेट, कहीं नहीं जाने वाला। ये इंसान आपकी वे लुक जिस तरह आप दिखती है, क्योंकि एम्प्रेस जो है वो सारी क्वींस की माँ होती है, तो आप जिस तरह दिखते हैं ये इंसान उस ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, अट्रैक्शन रखता है आपसे। तो ये इंसान जो है बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएगा, आप थोड़ा वेट कीजिए, इसको अप्रोच मत कीजिए, इसको अपनी लाइफ में खुद आने दीजिए। जब आएगा तो ये इंसान ज़रूर एफर्ट लगाएगा, ठीक है। ये इंसान इस रिश्ते में एक चांस चाहता है। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग, अगर रेजोनेट हुई तो मुझे बताइएगा, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय। हाय पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली डेक सेलेक्ट की है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके।
फाइल नंबर टू के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, कार्ड और निकालने का दिल चाह रहा है आपके लिए, एक कार्ड और निकालूंगी। नाइन ऑफ कप्स, आप तो इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हैं। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसकी लाइफ में जितने भी ऑप्शंस आ जाएं, जितनी भी चीज़ें आ जाएं, ये इंसान आपको एज अ क्वीन ऑफ पेंटिकल देखता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, आप अपनी लाइफ में सेटल डाउन हैं, आप बहुत ज़्यादा जो हैं अपने कारोबार में अपने वर्क पर फोकस करती हैं, ना कि इस इंसान के ऊपर। ये इंसान आप फ्यूचर तो आपके साथ देखना चाहता है, ठीक है, ये इंसान फ्यूचर देख भी रहा है आपके साथ, लेकिन इसकी एग्रेसिवपन जो है इसको बीच आपके पास आने से रोक देता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से का तेज़ हो सकता है। ये इंसान आपके साथ अपना कप ऑफ लव शेयर तो करना चाहता है, लेकिन ये चाहता है कि आप खुद समझें। इस इंसान को बताने की ज़रूरत पेश ना है। ये इंसान लीप ऑफ फेथ लेगा, फॉर श्योर लेगा, क्योंकि फुल कार्ड निकल के आया है, ज़ीरो से स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ लेना तो चाहता है, लेकिन ये चाहता है कि चीज़ें इसके हिसाब से चले, ना कि आपके हिसाब से। फ्यूचर तो देख रहा है ये इंसान। ये कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो यानी कि वाटर साइन का एक मसला ये होता है कि इनके दिल में इमोशंस के पहाड़ उबल रहे होते हैं, इमोशंस जो है अप एंड डाउन हो रहे होते हैं, लेकिन ये इंसान बज़ाहिर सुकून से नज़र आता है, बता नहीं सकता कि ये इंसान आपके बारे में क्या फील कर रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशन है इसके दिल में आपके लिए, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, डीप फीलिंग्स है, लेकिन दिखा नहीं रहा है ये आपको, बता नहीं रहा है आपको, क्योंकि ये इंसान चाहता है कि आप इसके एक्शंस के थ्रू आप पहचानें कि ये इंसान आपसे प्यार करता है। आप यहाँ पर डाउटफुल हैं कि ये इंसान शायद आपको कभी सीरियस कमिटमेंट नहीं दे पाएगा, सीरियस ऑफर नहीं दे पाएगा, इसकी यही बचकानी हरकतें रहेंगी, आ जाएगा चला जाएगा और कभी भी आपके साथ सीरियस कमिटमेंट नहीं जाएगा। ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है, सिक्स ऑफ वॉन्स और नाइन ऑफ कप्स ये चीज़ मुझे बता रही है। किंग ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है ये इंसान, ये देख रहा है कि आप अपना सिंगलहुड इंजॉय कर रही हैं। ये इंसान अगर आपकी लाइफ में आता है तब भी अच्छा है, अगर नहीं आता तब भी अच्छा है। आप हर लिहाज से खुश रहना जानते हैं अपनी लाइफ में, आप सेल्फ लव कर रही हैं, सेल्फ पे अपने आप पे फोकस कर रही हैं, इस इंसान को एंटरटेन नहीं करा रही है, इंसान जानता है। आप दोनों के बीच में जो है एज डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल और ऊपर दो नाइट निकल के आए हैं, नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान रश करता हुआ आपकी लाइफ में आना चाहता है और ये इंसान आएगा भी, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी अगर आप इस इंसान को अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं तो ये इंसान के और आपके बीच में थोड़ी सी नोकझोंक हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाए तो इसको आने दें, सारे ऑब्स्टिकल चॉप कर देना चाहता है आपके बीच में, या आपसे कप ऑफ लव जो है एक्सचेंज करना चाहते हैं, आपको कप देना भी चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कल्चर डिफरेंट हो, मज़हब डिफरेंट हो, लेकिन जो भी डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में, ये इंसान जब आपको कमिटमेंट देगा तो ये उस चीज़ को नहीं मानेगा। ये इंसान आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है, इसे लगता है कि, और ये काफ़ी क्रिस्टल टाइप का भी इंसान है, इसे लगता है कि अगर आप इसकी लाइफ से जाने लगती होंगी तो ये इंसान आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेता होगा, या इसको ऐसा आप इसको ये भी कहूँगी कि अगर आपने किसी नए इंसान से अगर दोस्ती करी है, किसी से बात भी करी है और इसे पता लग गया है तो ये इंसान वापस आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेगा। यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है, ये देख रहा है कि आप अपना सिंगलहुड इंजॉय कर रही हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं उसमें। ये इंसान चाहता है कि आप इसके एक्शंस के थ्रू पहचाने कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, आप इस इंसान के लव हैं। लवर कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है इस इंसान के पास में चॉइसेस नहीं हो और ये इंसान आपको छोड़ के चला गया हो किसी और के लिए, लेकिन लवर्स कार्ड का मतलब ये भी है कि आप इस इंसान का ट्रू लव है, चाहे जितनी भी ऑप्शन इस इंसान के पास आ जाए, ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है। फोर ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, आपको छोड़ना नहीं चाहता, गिव अप करना नहीं चाहता आपके ऊपर। ये इंसान आपके अपने बीच में जो है चीज़ें चेंज करना चाहता है। अगर आप लोगों की
लव लाइफ पॉज हो चुकी है, आगे नहीं बढ़ रही है, तो ये आगे बढ़ाना चाहता है, चीज़ों को गो विद फ्लो लेके चलना चाहता है, लेकिन आगे बढ़ाएगा स्लो लेके जाएगा, लेकिन शादी ये इंसान आपसे करना चाहता है। सिक्स ऑफ वन, नाइन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स यही बताते हैं कि आपसे ये इंसान बेहद प्यार करता है। अब हम देख लेते हैं कि इस इंसान की और करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। आप दोनों ही मुझे लग रहा है किसी और पर्सन से मैरिड हैं, आप भी मुझे मैरिड नज़र आ रहे हैं किसी और के साथ, और ये इंसान भी किसी और के साथ मैरिड नज़र आ रहा है, लेकिन आप दोनों अपने अपने रिश्तों से खुश नहीं हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। रिलीज़ योर एक्स, तो ये इंसान जानता है इस अगर आपके पास आना है तो इसको अपना एक्स जो है वो रिलीज़ करना पड़ेगा, या कुछ जो बैड एडिक्शन है इस इंसान की, इसको वो रिलीज़ करना पड़ेंगी, तभी ये इंसान आपकी तरफ आएगा। ये इंसान और मजीद सेपरेशन में रहना नहीं चाहता, रिवर्स आया है, आप लोग सेपरेशन में है लेकिन ये इंसान सेपरेशन ख़त्म करना चाहता है और आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। ट्रू लव, एक्सप्रेस योर लव, इस इंसान ने कभी तो आपसे अपना प्यार एक्सप्रेस ही नहीं किया एक्शन के थ्रू, आपने खाली हिंट ही दिया है। जिस इंसान ने, ये इंसान आपको पसंद करता है, लाइक करता है, आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, ये इंसान आपकी लाइफ में जो है अब आना चाहता है। प्लेफुलनेस, ये जैसे कि हमें दो कार्ड्स ऊपर मिले नाइट के, ये इंसान प्लेफुल एनर्जी से आपको अप्रोच करना चाहता है और अप्रोच करेगा भी। आपसे कहा जा रहा है आप अपने फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं इस इंसान के बारे में, और एक दूसरे को अच्छे से जाने आप पहले, और अपने दोस्तों से आप इस इंसान के लिए मदद ले सकते हैं। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग, अगर रेजोनेट हुई तो मुझे बताइएगा। मिलता है रीडिंग में, बाय।